अभी वक्त आ गया वापिस जाने का, भी रेडी हो रहे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही सुबह के 10 बजे से। तो पिछले कल शादी भी ख़त्म हो गई, हम पिछले कल शाम को ही दुल्हन के घर से वापस आ गए थे, रात को लेट हो गया था तो ज़्यादा ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। और अभी देखिए पीछे टेंट वगैरह वैसे ही पड़े हैं, अभी इनको कल आएंगे इनको निकालने वाले। और आज फिर से अरे नंद जी वगैरह पग फिरी के लिए, फेनो बोलते हैं हमारे यहाँ पे, फेनो उनका आज अभी पाएंगे, शाम को वापस चले जाएंगे। तो उसका भी ना दिहाड़ा निकलता है, ऐसा ही दिहाड़ा निकला है कि सुबह आना है शाम को वापस जाना है। तो बस अभी तैयारी कर रहे, खाना खुना बना रहे, थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं। और आदमी को मैंने अभी नहला के सुला दिया है। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को। और यहाँ पे ना नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वजह से ना मेरे ब्लॉग कंटिन्यू टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहे, बहुत टाइम लग रहा है एक ब्लॉग को डालने में। तो मैंने अपलोडिंग में रखा है, शायद कल तक अपलोड हो जाएगा। और ये देखिए मैंने कपड़े भी धो लिए, अभी और भी धोने को बच्चे हैं, लेकिन ये मैंने धो लिए बच्चे के बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े। अभी चलते हैं ऊपर। शादी ख़त्म, अब और ये शादी ख़त्म होने के बाद की सफाई जो कि बहुत भयंकर वाली है। क्या फ़ायदा इतनी सफाई करने का पहले, फिर से यहाँ पे पूरे में पोछा लगा दिया, यहाँ पे बहुत गंद पड़ गया था, बस अब थोड़ा सा पोछा मारने का बचता है। इस रूम में पूरे में पोछा लग गया और ये रूम भी दुल्हन का ही है, तो इसको सूखने देते हैं बाकी रूम की ओर। ये देखिए यहाँ पे भी पूरा खलारा पड़ा है। यहाँ पे भी ये है देवर जी का रूम, हाँ यहाँ पे भी पूरा खलारा ही खलारा पड़ा है, सारा सेट करें। तो जितने में हमारी सफाई होती है उतने में ननंद जी वगैरह भी पहुँच ही जाएंगे आई थिंक, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। कमरे सूखने चाहिए पहले अच्छे से। सारे कपड़े उठा लिए, इनको अब धूप लगाएंगे एक दो दिन, देखते हैं बाकी कहाँ उठाने पड़ेंगे, ऊपर ही है। तो अभी इस रूम की सेटिंग हो गई, अब चलते हैं अगले रूम को। यहाँ पे भी हो ही गया है, अरे क्यों बना, यहाँ पे भी होगी सेटिंग। यहाँ तक दुख हो गया, दुल्हन पहुँच गई। आगे चला चल खुशी के आंसू है। पूरा
क्या हुआ, दर्द हो रहा है कान में? तो अभी वक्त आ गया वापिस जाने का, अभी रेडी हो रहे हैं, साड़ी सूड़ी उतार दी गर्मी में। यहाँ पे पानी भर गया। तो अभी दुल्हन चली गई है अपने घर वापिस, और अब पता नहीं वो घर यहाँ पे कब आएंगी फिर से। और उनके जाने के बाद ना घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी टेंट खोलने वाले जो भैया है वो भी आ गए। सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन अभी मौसम थोड़ा साफ हो गया है। सृष्टि क्या हुआ? सृष्टि को नीचे जाना है इसलिए वजह शादी अभी भी लगी है। और आज भी सेठ के दांत आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। दिखाने नहीं देता है। तो मैं अभी आई हूँ अपने घर के नीचे वाले रूम के पास, क्योंकि यहाँ पे एक आड़ू का पेड़ है ना, इसमें बहुत सारे आड़ू लगे थे, लेकिन शादी के टाइम सब ने खा के ख़त्म कर दिए। थोड़े थोड़े बच्चे हैं, मैं सोच रही हूँ खाऊँ एक दो। और यहाँ पे देखिए स्क्वैश की बेल लगी है जो देसी घेर की होती है, और इसमें सब्जी भी दिख गई मेरे को। ये देखिए एक यहाँ है एक ऊपर है, तो आज शाम को हम इसी की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि ना शादी का मसाले वाला खाना खा खा के बहुत थक चुके हैं। अब कुछ सिंपल खाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आड़ू का पेड़, इसमें काफ़ी सारे लगे थे लेकिन शादी के टाइम सब ने खा लिए। ये देखिए स्क्वैश भी लग रही छोटी सी गेरी। ये देखिए कि यहाँ पे लगी है बड़ी वाली, एक वहाँ लगी है। तो मैं तो आड़ू खाने वाली हूँ, आड़ू आड़ू आड़ू। पेड़ के ऊपर चढ़ूँ, कहीं गिर गया पेड़, टूट गया। ये देखिए नीचे टमाटर के बने फेंके, टमाटर की बहुत वेस्टेज हो गई शादी में। ये पेड़ ना बहुत छोटा है अभी, कहीं इसके ऊपर चढ़ के मैं गिर गई तो। आड़ू यहाँ पे भी लगे टहनियों में लेकिन ये हरे हैं। ये देखिए यहाँ पे लगे बहुत सारे, ये देखिए फ्रेश 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 आड़ू। और जो इसमें ये लगा होता है ना, इसको हम बोलते सिल रहा, इसको भी खाते थे पहले। और आड़ू में ना बहुत बाल होते हैं, तो इनको ना पहले साफ करेंगे फिर खाएंगे। ये बहुत सख्त है अभी, अच्छे से पके नहीं है। पेड़ की जो सबसे ऊपर वाली टहनी है ना, इसमें लगे बहुत लाल लाल आड़ू, इनको ना हम इस तरह से कपड़े में साफ करते हैं फिर खाते हैं। थोड़े कच्चे लेकिन टेस्टी है। तो ये थोड़ा पका हुआ है, तो अभी बज गए हैं शाम के 7, और अभी मैं और अभी के यहाँ से टहलने आए थे, अभी यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाई चली है, अब ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आज दिन को मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा टहल के आते हैं, अभी को भी थोड़ा घुमाते हैं। और यहाँ पर ना आज स्पैन भी चली है, जो पीछे तारे दिख रही है ना, इन तारों से एक स्पैन चली है रोड से ऊपर के लिए, घाट गाँव के लिए। उसमें ना लोग सब्जियों को भेज रहे हैं, ये देखिए। अच्छा देखो पर इसको बड़ी क्या है इसका, ये देखो ये देखो टमाटर की क्रेटे भेज रहे हैं, और खाली ऊपर आ गई, देखो खाली स्पैन ऊपर आ गई क्रेटे लेने, भरी हुई नीचे जा रही है। दो होती लगी हुई, तो एक खाली होके वापस आती है, एक में सामान भेजते हैं। तो पहाड़ों में ना गाइस गांव बहुत दूर दूर होते हैं, उन हाइट हाइट में होते हैं, और रोड हर जगह पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो लोगों ने इस तरह के जुगाड़ बनाए होते हैं, स्पैन बनाई होती है, ताकि रोड से गांव तक सामान उठाने से बच जाए, इससे आसान रहता है सामान को इधर उधर ढोना। तो आजकल सीज़न चला है, सब्जियाँ है खेतों में, टमाटर है,
कोई एप्पल है, नाशपाती है, बहुत कुछ लगा है आजकल बाग बगीचों में, तो लोग वो इस तरह से स्पेनों में भेज रहे हैं, नहीं तो खुद उठाना बहुत मुश्किल होता है गाइस, बहुत ज़्यादा होता है। टमाटर तो आजकल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं खेतों में, तो इतना उठाएगा भी कौन, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे लोग। और ये देखिए सामने का व्यू कुछ इस तरह का है, हरियाली होगी अब जरूर। और वहाँ पे राम राम माइक का, मेरे को ना माइक की बहुत याद आ रही क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं, देखते हैं कल परसों तक जाऊँगी, तो देखते हैं कल परसों तक मैं भी अपने माइक की जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग भी हुई है, वहाँ भी जाना है मुझे, और देखते हैं बाकी बनता है प्लान जाने का, घर में भी आजकल ज़्यादा काम नहीं है। ये देखिए एक स्पेन फिर से आ गई, सामान लेके आज भी देखिए कैसे दिख रहा है, बढ़िया से है। ये देखिए, ये देखिए खाली ऊपर आ गई, ये देखिए। तो अभी ना मैं यहाँ पे इसलिए भी आई थी क्योंकि यहाँ पे नेट भी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा हाइट जैसा है और पूरा इलाका भी दिखता है, और यहाँ पे ना मेरे फ़ोन में 5G चल रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे फ़ोन में 5G चला, मतलब ऊपर शोर है 5G।